यार मुराद, इतने टाइम बाद हम इस तरह इतने अच्छे माहौल में चाय पी। शादी के बाद हमारी लाइफ इतनी बिजी हो जाती है, कभी अपने लिए वक्त निकालने का हमने सोचा ही नहीं। वैसे मुझे इस बात पर यकीन तो था, लेकिन इतनी जल्दी ये सब हो जाएगा ये मैंने सोचा नहीं था। मतलब तुम इतनी जल्दी शादी से बेजार हो गए हो? इतनी जल्दी कैसी बातें कर रहे हो यार, तुम तो ऐसी बात कर रहे हो जैसे मेरी शादी कल की बात हो। सुधर जा यार, ये इधर उधर लड़कियों को देखना छोड़ दे। अरे मैं कहां बिगड़ा हूं मेरे भाई। लो, ये हमारी जो बेगम साहिबा है ना, हमें बिगड़ने का मौका ही नहीं देती। थोड़ी देर घर से लेट क्या हो जाऊं, मैडम के शुभार बढ़ने लगते हैं। फिक्र करती है तुम्हारी, कॉल सुनो उसकी। हाँ निमल। वजी, कहां रह गए आप? इतनी देर हो गई है और ये शोर कैसा है? यार एक पुराने दोस्त के साथ सीवी आया हूं। वाह भाई वाह, ऑफिस से निकल के डायरेक्ट सी व्यू, ये क्या बात हुई? अब ये बच्चे को बताना गवारा नहीं किया आपने। यार मुझे मेरे दोस्त ने बताने का मौका ही नहीं दिया, रास्ते में ही हाईजैक कर लिया, वरना मैं तो सीधा घर ही आ रहा था। अच्छा बाबा ठीक है, लेकिन कौन है ये दोस्त? छोड़ो ना, दोस्त के नाम में क्या रखा हुआ है? बता तो रहा हूँ दोस्त है। अब तुम क्या मेरे कहने पर यकीन नहीं करोगी? बिल्कुल भी नहीं, जल्दी से बता दे किस दोस्त के साथ है, नहीं तो आपके बेटे को फोन दे दो, फिर वो ही पूछेगा जब उसे पता चलेगा कि आप बीवी और उसे छोड़कर सीवी चले गए। यार निमल, हद है बेएतबारी की यार। अच्छा लो, खुद ही मेरे दोस्त का नाम पूछ लो भाई, ये लो बात करो। निमल, मुराद बात कर रहा हूँ यार, मेरे साथ है ये। मुराद? वजी तुम्हारे साथ है? ये क्या बात हुई, अपनी बीवियों को छोड़ के बच्चे को छोड़ के सीवी पहुंच गए हमारे बगैर? अरे सीवी नहीं गए भाई, हम ऑफिस से निकले थे, मेरा कॉफी का मूड था तो मैंने इससे कहा भाई मेरे साथ भी वक्त गुजार लो, आकर कॉफी पीने लगे। वैसे भी अनीशा आजकल घर पर नहीं है, तो मैंने कहा यार अपने दोस्त को थोड़ा वक्त दे देना चाहिए। नहीं ओके ठीक है, हैव फन, टेक केयर, टेक केयर, बाय। कमाल है यार। यार ये निमल मुझ जैसे इतने शरीफ आदमी पर नजर रखती है, अगर मैं लुच्चा होता तो भैया तुम घर बैठते और तुम्हारी बेगम जो है ना वो कारोबार को संभालती। वैसे इस मामले में मैं बहुत लकी हूँ, शुक्र है मेरी बीवी ऐसी नहीं है, अनीशा मुझ पर बहुत ट्रस्ट करती है। सुबह तो कह रहे थे ऑफिस से जल्दी आ जाएंगे, आज तो अपने टाइम पर भी वापस नहीं आए। तबीयत कैसे अब तुम्हारी? ठीक हूँ। मुराद आ गए? नहीं, वो भी ऑफिस से आए नहीं है। नहीं, उन्होंने मुझसे कहा है ऑफिस से निकल गए, बस पहुंचने वाले। मुराद भी ना। मुराद वेयर आर यू? यू सेड यू विल बी होम इन 20 मिनट्स। घर आते आते कहीं और मुड़ गया। जी मैं तो घर पर ही हूँ। अच्छा ठीक है, ओके, वेट कर रही हूँ मैं, जल्दी आ जाए। अल्लाह हाफिज। रोही मेरे कपड़े निकाल दो, बस मुराद पहुँचने वाले हैं। ठीक है।
कितना भागेंगे साहब जी। बीबी जी की गैर मौजूदगी में घर ना लौटकर आपने मुझे बता ही दिया। क्या आपको डर मुझसे नहीं, अपने आप से है? उस लम्हे से है जिससे आप बचने की कोशिश करें। मैं भी देखती हूँ रूही की खूबसूरती से कैसे बच सकते हैं। वैसे वजी और निमल की मोहब्बत भी ना बहुत अजीब लगती है। वजी बता रहा था कि निमल बहुत शक करती है उस पर, तो मैंने कहा थैंक गॉड मेरी बीवी तो बिल्कुल भी ऐसी नहीं। बीवी को शकी भी मर्द की मोहब्बत ही बनाती है, और निमल कोई शक नहीं करती है, बहुत प्यार करती है भाई से। भाई को बिला वजह लगता है कि निमल शक करती है उनको। अच्छा भाई अच्छा, मान लिया बहुत प्यार करती है वो वजी से, और हमारी बीवी करती है हमसे प्यार। मैं भी बहुत प्यार करती हूँ आपसे मुराद। अच्छा तो कभी मुझे कॉल करके ये क्यों नहीं पूछती हो कि कहाँ हो, किसके साथ हो, क्या कर रहे हो, क्यों कर रहे हो? क्योंकि मुझे पता होता है आप ऑफिस है और काम कर रहे हैं, जब आपको वक्त मिलता है तो आप खुद ही फोन कर लेते हैं या मेरे बारे में सोचते रहते हैं। बहुत अच्छे से जानती हो तुम मुझे। बंदे ने सुबह से सिर्फ एक कप कॉफी का पिया हुआ, और वो भी अब से 3 घंटे पहले का। कुछ खाने पीने के लिए मिलेगा क्या? बंदी ने भी 3 घंटे पहले ग्रीन टी पी थी, और कुछ नहीं खाया मैंने भी। आप चेंज कर ले, मैं खाना लगवाती हूँ। अच्छा चलें, अगर आपको और बातें सुनानी है आप सब कुछ सुना दें, अपना गुस्सा निकाल लें रूही पर। तुम हो कौन, क्या रिश्ता है मेरा तुम्हारा? कोई हक नहीं है तुम्हारा मुझ पर कि मैं तुम पर जब चाहूं गुस्सा निकाल सकूं। मैंने तुमसे कहा मेरा दिमाग मत खाओ, जाओ जाकर अपना काम करो। रूही ये तो सो चुकी है। मोहब्बत भी कितना इम्तिहान लेती है।
या अल्लाह या मेरे मालिक। मेरे इस इम्तिहान को आसान कर दे। रूही को मेरा कर दे, उसके लिए मेरे दिल में जगह बन दे, उसको भी मेरी उस तरह ही ख्वाहिश हो जिस तरह मुझे उसकी ख्वाहिश। मैं उसके बगैर जिंदा नहीं रह सकता मेरे महबूब, नहीं रह सकता उसके बिना। उसको मेरा बना दे, मेरा मुकद्दर कर दे, मेरे मुकद्दर में लिख दे मेरे मालिक। रूही को मेरा बना दे। अस्सलाम वालेकुम खाला। ए वालेकुम अस्सलाम बेटा, कैसा है? मैंने एक दो बार फोन किया पर तूने फोन ही नहीं उठाया। अब खाला माजरत चाहता हूँ, वो दुकान में कुछ कामों में मसरूफ था, इस वजह से आपका फोन मिस हो गया मुझसे। यही बात है या कोई बात छुपा रहा है अपनी खाला से? अरे नहीं नहीं खाला, ऐसी कोई बात नहीं है, बल्कि एक खुशखबरी देनी थी आपको। मैंने दुकान पर दो और नई मशीनें डाल दी है, कारोबार बढ़ा रहा हूँ मैं अपना। अच्छा, माशाल्लाह माशाल्लाह। ए बेटा, मुझे लगा कि शायद तेरी माँ ने अपनी कसम देकर तुझे मना किया बात करने से। अरे खाला, कोई भी कसम मुझे आपसे और रूही से बात करने से नहीं रोक सकती। हाँ बेटा, मैं अच्छी तरह से जानती हूँ मेरी बहन का दिल अभी तक दुखा हुआ होगा, इसीलिए तू उसे फोन नहीं कर रही। मगर तुम लोगों की खैर खैरियत की परवाह तो रहती है ना, इसीलिए फोन कर रही थी तुझे। माफ कर दीजिएगा खाला, मैं आइंदा पूरी कोशिश करूंगा कि आपकी कॉल ना मिस हो मुझसे। अच्छा खाला, मुझे बताएं आप वापस कब आ रही हैं? अरे पता नहीं बेटा, अब हालात संभलते हैं तो आती हूँ। अरे अम्मा की तबीयत तो जब संभलने लगती है और मैं सामान बांधती हूँ तो बांधने से पहले ही बिगड़ जाती है। बीबी जी बता रही थी, उठते बैठते याद करती है मुझे, बस उसे फोन कर लेती तो उससे बात हो जाती है। खुश नसीब है हम खाला कि आपकी रूही से फोन पे बात हो जाती है। मैंने तो कितनी दफा उसे फोन करने की कोशिश की, बल्कि घर भी गया, लेकिन ना मुलाकात होती है ना फोन पे बात होती है। ए, पता नहीं बेटा, ये कमबख्त किन हवाओं में है, पर तू फिक्र मत कर, जब मैं आऊंगी ना तो इसका दिमाग दुरुस्त कर लूंगी। ठीक है खाला, और वैसे मैंने अम्मी को भी ना साफ साफ बता दिया है कि आपसे और रूही से बना के रखें, क्योंकि आप दोनों के बिना भी मेरा गुजारा नहीं है। अच्छा, तो क्या बोली तेरी अम्मा? कह रही थी कि मेरी बेटे की ख्वाहिश से बढ़ के उनके लिए दुनिया में और कुछ भी नहीं। हाँ बेटा, तेरी माँ ने तो तेरी खुशी और सलामती के अलावा अपने लिए कुछ चाहा ही नहीं। उस दिन भी तो तेरी खातिर लड़कर गई थी, जो बाद में मुझे समझ में आया, और मैंने भी तो बहन बनने की बजाय रूही की माँ का किरदार अदा किया। खैर तू फिक्र ना कर बेटा, जब वापस आऊंगी ना तो तेरी माँ से भी मिलने के लिए आऊंगी। खाला आप खैर से वापस आ जाएं, मैं खुद अम्मी को आपसे मिलवाने लेकर आऊंगा। और बल्कि जब आप वापस आ रही हो ना तो मुझे कॉल कर दीजिएगा, मैं आपको अड्डे से पिक कर लूंगा। जीता रहे मेरा बच्चा, सलामत रहे, बस दुआ कर कि अम्मा जल्दी से ठीक हो जाए। बस इंशाल्लाह ठीक हो जाएंगी खाला, बस आप खैरियत से वापस आ जाएं। आमीन। अच्छा बेटा, अपना और अपनी अम्मा का ना ख्याल रखना। खुदा हाफिज। अल्लाह हाफिज। सब के जाओ मेरा बच्चा। Anisha has said this is a very interesting book. तुम्हें भी पढ़नी चाहिए। निशा, मैं जानता हूँ तुम बहुत गुस्सा करोगी इस वक्त, लेकिन खाने के बाद कॉफी नहीं पी थी यार, प्लीज अगर एक कप कॉफी।
अरे ये तो अकेले ही है। मैंने खाने के टाइम पर सोने का ड्रामा करके गलत ही कर दिया। क्या करूं, कैसे जाके बात करूं? इस वक्त तो चौकीदार भी गेट से बाहर बैठा होता, जासूसी का खतरा भी नहीं। क्या करूं, क्या करे रूही? हाँ माँ, आवाज आ रही है? हाँ, कमरे से बाहर आ गई हूँ मैं। आवाज नहीं आ रही थी ना, वो तबीयत कुछ ठीक नहीं थी। हाँ ठीक हूँ, पर सारा दिन काम करती रहती हूँ ना, अब तूने इतने लाड प्यार से बड़ा किया कि आदत ही नहीं है। जानती हूँ यहाँ तो नौकरानी की हैसियत से ही हूँ ना, काम तो करना ही पड़ता है, मगर अब ठीक हूँ। खाना पकाना भी हाय अल्लाह, साहब जी और बेगम साहिबा को तो खाने का पूछा ही नहीं। अच्छा माँ, तू फोन रख, मैं सुबह तुझे फोन करूंगी। ठीक है, तू फोन बंद कर। अल्लाह हाफिज। साहब जी, वो आप लोगों ने खाना खा लिया क्या? हाँ, निशा ने दे दिया था मुझे। अच्छा, वो बड़ी एहसास हूं ना मैं। एक बात पूछूं? पूछो। आप इतना कतराते क्यों हैं मुझसे? क्या हो गया तुम्हें? मैं तुमसे क्यों कतराऊंगा? क्योंकि शायद कहीं ना कहीं रूही दिल से अच्छी लगने लगी आपको। क्या क्या कह रही हो तुम? क्या फजूल बात कर रही हो? दिमाग खराब हो गया तुम्हारा? आहिस्ता बोलें। मैंने खुद देखा है आपकी आंखों में, जिस तरह आप मुझे देखते हैं खो से जाते हैं। वो तो निशा बीबी से बेवफाई के ख्याल से ना मुंह फेर लेते हैं। बस बहुत हो गया, एक लफ्ज भी मत कहना, वरना मैं। वरना क्या, जो कह रही हूँ सच ही कह रही हूँ। मैं जानती हूँ आपके दिल में चोर है, वरना इस तरह अनीशा बीबी की गैर मौजूदगी ना बेधड़क आप घर ना आते। आप जानते हैं कि मैं आपका इंतजार कर रही होती हूँ, आपके दिल में भी चोर है ना। तुम पागल हो गई हो क्या? मैं तो तुम्हें मासूम समझता था, नादान समझता था, इसलिए तुम्हारी आज तक बातें बर्दाश्त कर रहा था। तुमने सोच कैसे लिया कि मैं कुछ नहीं है ऐसा? अपने दिमाग से इस बात को निकालो, समझ आ रही है तुम्हें? वरना मैं। अच्छा, आपको निशा बीबी के सर की कसम है, उन्हें मत बताइएगा कि मैंने जो कुछ भी बोला। इसलिए नहीं कह रही कि मैं डरती हूं उनसे, रूही किसी से भी नहीं डरती। ज्यादा से ज्यादा क्या करेंगी, वो नौकरी से निकाल देंगी, कहीं और चली जाऊंगी। मैं तो सिर्फ आपके लिए कह रही थी कि अगर उन्हें आपके दिल की खबर हो गई ना तो बहुत दुख होगा उन्हें। ऐसे क्या देख रहे हैं? खूबसूरत लग रही हूँ? ये मोहब्बत, ये खूबसूरती, ये वफा सिर्फ और सिर्फ आपके लिए। वरना कसम उठवा लें, आपकी कसम, रूही ने तो ना आज तक किसी को आंख उठा कर नहीं देखा। तुम अपने दिमाग का इलाज करवाओ, इसको काबू में रखो। आप सिखा दें, आप सिखा देना जिस तरह आप अपने दिल को काबू में रखते हैं।
ये हुनर थोड़ा मुझे भी आ जाए, वरना ये कमबख्त तो हाथ से फिसलता जा रहा है। देखो तुम ना मुझसे दूर। आप जानते हैं कि मैं आपका इंतजार कर रही होती हूँ। आपके दिल में भी चोर है ना? ऐसे क्या देख रहे हैं? खूबसूरत लग रही हूँ। ये मोहब्बत, ये खूबसूरती, ये पफा सिर्फ और सिर्फ आपके लिए है। वरना कसम उठवा लें, आपकी कसम, रूही ने तो ना आज तक किसी को आंख उठाकर नहीं देखा। आप सिखाते ना, जिस तरह आप अपने दिल को काबू में रखते हैं, ये हुनर थोड़ा मुझे भी आ जाए, वरना ये कमबख्त तो हाथ से फिसलता जा रहा है। मुराद, वेरी गुड मॉर्निंग। ऑफिस जा रहे हैं आप? अच्छा सुनो, बुआ से बात हुई है क्या? कुछ पता चला कब आ रही है? नहीं, मेरी तो बात नहीं हुई, रूही की बात होती है, उसको पता होगा, पूछ कर बता दूंगी। लेकिन अब तो बहुत दिन गुजर गए ना, अब तो उन्हें वापस आ जाना चाहिए। हाँ, लेकिन बुआ की जगह है ना रूही, काम संभाल तो रही है। ज्यादा ही संभाल रही है। क्या मतलब? मतलब ये कि जो उसका काम नहीं होता वो भी करने की कोशिश करती है। मुझे तुम्हारी ये बात बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगी। तुम्हें बुआ की ये बात माननी ही नहीं चाहिए थी कि रूही यहाँ पर रहेगी। मैं अनकंफर्टेबल हो रहा हूँ, मुझे मुनासिब नहीं लग रहा। रात, वो इतना तो ख्याल रखती है हमारा। आजकल आपको पता है मासियों के कितने नखरे हैं, एक काम को करने में घंटा लगा देती है, और वही काम रूही इतने खलूस, इतने प्यार से करती है।
क्यों बुरा मान रहे हैं? कुछ दिनों की बात है, बुआ आ जाएंगी, वो चली जाएगी वापस। यही बेहतर होगा। कोई कंप्लेन है आपको? नहीं, मुझे उससे क्या कंप्लेन होगी? मैं चाहे क्यों होगी कंप्लेन? तो आपका मूड क्यों इतना खराब है? वर्कलोड ज्यादा है, मुझे उसका प्रेशर लिया हुआ है सर, और कुछ नहीं। नाश्ता करेंगे आप? नहीं, नाश्ता नहीं करूंगा, मैं बस ऑफिस जाऊंगा, ऑफिस जाकर नाश्ता कर लूंगा। कहीं आप बुआ के नाश्ते को तो नहीं मिस कर रहे? हाँ, यही समझ लो। आज बुआ से बात करो और उनको बताओ कि जल्दी वापस आए। ओके, बाय बाय। साहब जी, रुकिए रुकिए रुकिए, जब से बात करनी थी। कल रात जो हुआ उसके बाद भी कोई बात करने की कसर बाकी है क्या? ऐसे गुस्से से क्यों बात कर रहे हैं मुझसे? जबकि अब तो हम दोनों एक दूसरे के दिल की बात जानते हैं। मेरी एक बात तुम कान खोल कर सुन लो रूही। अगर तुमने मुझे अनीशा की जान की कसम दी है तो उसका मतलब ये नहीं है तुम उसका फायदा उठाओगी। आप भी मेरी बेबसी का फायदा मत उठाएं। अगर दिल की बात आपसे कह दी है, अपने दिल के हाथों मजबूर हो के, इसका मतलब ये तो नहीं है चलते फिरते कहीं पे भी मुझे जलील कर देंगे। अगर आपको नहीं कबूल करनी मेरी मोहब्बत तो कोई बात नहीं, आप वक्त ले लें, मगर मुझे तो मना ना करें। बचकाना बातें छोड़ो और मेरे रास्ते से हटो। देखें देखें, आपको पता है दिल तोड़ना कितना बड़ा गुनाह है? आप मेरा दिल तोड़ के ऐसे नहीं जा सकते। Now listen to me. ये जो अचानक से तुम पर मेरी मोहब्बत का भूत सवार हुआ है ना, ये अब मुझे इरिटेट कर रहा है। इसलिए बेहतर होगा कि तुम इसे आसानी से उतार, वरना और तरीके भी आते हैं मुझे समझाने के, ठीक है? मैंने तो आपकी मोहब्बत में मरने का फैसला कर लिया, अब मुझे किसी का खौफ नहीं है। लेकिन मुझे खौफ है। अपनी इज्जत का भी और अपनी बेइज्जती का भी। गाड़ी से हटो, मुझे मीटिंग से देर हो रही है। अच्छा ठीक है, फिर शाम में जल्दी आ जाइएगा, मैं और निशा भी आपका इंतजार करेंगे।
दरवाजा बंद करो। वीरी जी आपने बुलाया? मेरी बुआ से बात हुई थी। तुमने अपने कजिन को ये बोला कि हम तुम पर सख्ती करते हैं? हाँ मैंने कहा है उसे, मेरा दिल नहीं चाहता उससे बात करने का। जब काम कर रही होती हूँ बार बार फोन करता रहता है। मैं समझ सकती हूँ ही, लेकिन तुम्हें झूठ नहीं बोलना चाहिए था। वो क्या सोचेगा हमारे बारे में कि हम जालिम लोग हैं? उसके सोचने से क्या होता, मुझे देखे कितनी खुश और आराम से हूँ, कितना ख्याल रखते हैं आप लोग मेरा। अब तो मैं सोचती हूँ कि मुस्तकिल यही काम करूं। अम्मा बेचारी ने पूरी जिंदगी मेरे लिए कितना कुछ किया है, अब ये वक्त है कि मैं उससे आराम दूं। इधर आओ, इधर आकर बैठो। ये देखो, तुम्हारी सोच बहुत अच्छी है, लेकिन मुराद को तुम्हारा यहाँ रहना बिल्कुल पसंद नहीं है। तुम्हारी मौजूदगी में बहुत अपसेट हो जाते हैं। तुम्हारे हाथ का किया हुआ कोई भी काम उन्हें पसंद नहीं है। बीबी जी, मैं अब अम्मा की बराबरी तो नहीं कर सकती, लेकिन मैं हमेशा कोशिश करती हूँ कि आपको अपने काम से कोई शिकायत का मौका ना दूं, खासकर साहब जी को। रूही, मुझे तुम्हारे काम से कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस मुराद अपसेट हो जाते हैं। उन्हें डिनर वाली बात भी अच्छी नहीं लगी, वो तो कह रहे थे बुआ को वापस बुलाओ, रूही को भेजो। अब तुम रोने क्यों लगी? मैं सिर्फ तुम्हें बता रही हूँ। यहाँ रह के आपसे इतना ये तो गई थी मुझे बहन जैसी, क्या कसूर है मेरा? अपना ये तो मुझे भी हो गई है तुमसे, लेकिन देखो तुम हमेशा के लिए तो यहाँ नहीं रह सकती। तुम्हारी शादी हो जाएगी भी, तुम अपने घर चली जाओगी, है ना? अच्छा रोना बंद करो, और एक काम करना, ऐसी कोई भी हरकत मत करना जिससे मुराद अपसेट हो। थोड़ा सा बुरा तो लगेगा, पर जब मैं अच्छी लगने लगूंगी तो सब अच्छा लगने लगेगा। पर हम दोनों का अच्छा तुम्हें बहुत खराब लगेगा बीबी जी। अच्छा बस अब रोना बंद करो, ये फ्रिज में रख दो और मुझे एक कप चाय बना दो। जी अभी लेकर आती हूँ। थैंक यू।